हेलो गाइस, वेलकम टू कूल टेक अगेन। तो गाइस, रिसेंटली मैंने अपने टेलीग्राम पे एक पोल किया था, आप लोगों से पूछा था कि अगर किसी को स्मार्ट वॉच लेनी हो तो कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए। मतलब दो ऑप्शन मैंने दिए थे, एक अमेज़फिट बीप एस जो कि 5000 की है, और दूसरा एक थी यहाँ पे नाइस फिट इंड्योर जो कि 4000 रुपये की है। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला था कि अमेज़फिट बीप एस लेना चाहिए। हालांकि मेरा मन था यहाँ पर नाइस फिट इंड्योर लेने का, बट फिर भी यहाँ पर मैंने जो है अभी इसको मंगा लिया है जो कि है अमेज़फिट बीप एस। अब यहाँ पर इसको मैंने क्यों मंगाया, नॉइस फिट के बाद भी, मतलब नॉइस फिट मेरा मन था फिर भी मैंने इसको क्यों लिया, इसके बारे में इसमें बताएंगे क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें ज़्यादा अच्छी लग रही थी जो उसमें नहीं लगी मुझे, तो इसलिए। उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे मेरे पास स्मार्ट वॉच और बैंड्स हैं जो कि यहाँ पर ब्रांडेड भी हैं, नॉन ब्रांडेड भी हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और सबसे सस्ती एक स्मार्ट वॉच मैंने बहुत पहले ली थी 100 रुपये की, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का भी थोड़ा बहुत आप लोगों को डिटेल देंगे, ठीक है। तो बस आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सब्सक्राइब करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए शॉर्ट टाइम ऑफर्स के लिए। चलिए करते हैं इस पैकेट को अनबॉक्स। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए, ये है स्मार्ट वॉच जिसको अभी अनबॉक्स करेंगे। यहाँ पर इसके साथ ही साथ कुछ और भी स्मार्ट वॉच यहाँ पर आपको बैंड दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से एक ये गियर बेस्ट की तरफ से मुझे मिला था, और यहाँ पर दो स्मार्ट वॉच और भी जो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की हैं, जो कि यहाँ पर ये मुझे बैंगुड की तरफ से मिली थी। अभी सारी यहाँ पर चार्ज नहीं है बट वर्किंग कंडीशन में है सारी। ये वाली एक मैंने ये परचेस की थी जो कि पेटीएम से परचेस की थी, रिफ्लेक्स थी ये फास्ट ट्रैक की, ये भी अभी सही चल रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में बस मैं ये वाली ही यूज़ कर रहा हूँ जो कि है मी बैंड 4, इसको यूज़ कर रहा हूँ। 5 देखता हूँ कब परचेस करेंगे। सबसे सस्ती एक इनमें से एक ये है जो कि 100 या 150 रुपये की थी, यहाँ पे मैंने पेटीएम से ली थी। और इसमें मैं आपको बताऊँ, ये स्मार्ट वॉच इस तरह की है, जैसे अभी इसमें टाइम भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको स्टेप काउंटिंग भी दिखाई देती है। और इसके मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, बहुत स्टार्टिंग में, आप देखिएगा जाके, आई बटन में आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप कितने यहाँ पर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो भी यहाँ दिखाता था, और काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक एक्यूरेसी भी थी। मतलब 100-150 रुपये में आप क्या लेंगे, बट ये अभी तक चल रही है। मैंने आज इसको निकाला, काफ़ी दिनों बाद निकाला जब मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, ये अभी भी चल रही है। लगभग मुझे लग रहा है 1.5 से 2 साल पहले मैंने इसको लिया था, और मैंने कुछ भी बैटरी कुछ नहीं डाली है। आज भी एकदम इसका टाइम जो है ऑलमोस्ट करेक्ट बिल्कुल दिखा रहा था, 1-2 मिनट आगे पीछे था, वो शुरुआत से ही होगा। तो अब यहाँ पर इस वाले को चलिए, यहाँ पर ये पैकेट तो इसका वैसे मैंने काट दिया था, इसको निकाल लेते हैं, जो कि है यहाँ पर अमेज़फिट बीप एस, ये है यहाँ पर ये पैकेट। इसको भी चलिए फटाफट यहाँ पर सारी चीज़ों को खोल देते हैं, और इसको यहाँ पर मेन वॉच पर आ जाते हैं। वैसे आपने बहुत सारे वीडियोस इसके देख ही लिए होंगे, तो ये यहाँ पर है ये वॉच। मैंने इसका ये कलर ही मंगवाया है क्योंकि इसके पीछे रीज़न था, क्योंकि आप ये देखिए, ये वॉच जो है मेरे पास, अगर मैं फुल ब्लैक मंगवा लेता तो ये पूरा सेम टू सेम वैसे ही लगने लग जाती, इसीलिए मैंने इसका कलर थोड़ा सा ब्लू और ये ऑरेंज वाला जो इसका बॉर्डर है वो वाला मंगवाया था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया। अब चलिए इसको क्या करेंगे, फटाफट इसको निकालते हैं। पर चार्जिंग केबल, और उसके साथ ये कुछ यहाँ पर है मैनुअल, और ये है वॉच। इसको चलिए निकालते हैं सबसे मेन चीज़ को, बाकी चीज़ें कर देते हैं साइड। तो यहाँ पे ये इसके स्टार्ट होगी, जो आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने स्टार्ट कर दी थी, और इसके बाद अब इसको निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये है वॉच, और इसका यहाँ पर इस ऐप को डाउनलोड करने बोल रहा है, तो चलिए इसके ऐप जो है, इस ऐप को भी फटाफट इसमें डाउनलोड कर लेते हैं इस वाले फ़ोन में। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऐप को इसके डाउनलोड कर लिया, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसको पेयर कर लिया, और इसका स्क्रीन पर जो वॉच फेस था उसको भी चेंज कर लिया मैंने यहाँ पर। तो वॉच फेस, जैसा कि सबसे मेन चीज़, मैं कभी भी कोई स्मार्ट वॉच लेता हूँ या बैंड लेता हूँ, सबसे मेन चीज़ यही देखता हूँ उसमें, कि उसमें यहाँ पर वॉच फेसेस चेंज करने के लिए सुविधा है या नहीं है, जो कि मी बैंड 4 में भी था। तो यहाँ पर तत्काल तो काफ़ी सारे वॉच फेसेस दिख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी ऐप से इसको चेंज और ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि MI बैंड जो 4 है उसमें भी कर पाते हैं। तो वॉच फेसेस अभी तत्काल काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, और जैसे कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इनमें से 1-2 मैंने यहाँ पर ट्राई किए हैं और सारे सक्सेसफुली लग गए हैं। इसके बाद अब यहाँ पर और भी देखिए फीचर्स, तो आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जो कि आपको सारे फीचर्स दिख जाएंगे इसमें, कि कैसे आप इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वेदर देख सकते हैं, स्टेप काउंटिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे इसमें स्पोर्ट्स मोड भी अवेलेबल हैं, जो कि मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे किसी काम के नहीं है वो। बट यहाँ पर इसके बाद भी मैं स्पोर्ट्स मोड किसी में भी यूज़ नहीं करता हूँ, बट फिर भी मुझे ये था कि मैं कौन सी लूँ स्मार्ट वॉच, दो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। तो
यहाँ पर आपको ये ज़्यादा फीचर्स में ना जाके, फीचर्स आपको हर जगह देखने मिल जाएंगे, मैं बताता हूँ कि मैंने इसको चूज़ क्यों किया और जो कि नॉइस फिट इनडोर थी उसके मुकाबले। तो देखिए इसके पीछे रीज़न दो तीन थे। सबसे पहला एक ये था कि नॉइस फिट इनडोर मुझे सबसे ज़्यादा खासियत ये थी कि उसका जो लुक था वो मुझे इससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये इस तरह की एक वॉच देखेंगे तो एक मेरे पास थी पहले से, तो इसलिए मुझे ये उतना ज़्यादा नॉइस फिट ज़्यादा मुझे लुक वाइज अच्छी लग रही थी। दूसरा एक मतलब मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था कि इसमें जो यहाँ पर बॉर्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, जो कि नॉइस फिट में छोटे हैं, राउंड शेप में छोटे हैं, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, स्क्रीन रेशियो उसका कम है। तो अब यहाँ पे ये इसमें नहीं मुझे अच्छा लग रहा था, वो ज़्यादा अच्छा लगता था उसमें मुझे, ये दोनों चीज़ें मुझे उसमें ज़्यादा पसंद थी। बट इसको लेने का मकसद एक ये था कि सबसे पहला तो एक इसमें GPS है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि आप आज अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो प्रेजेंट के टाइम के हिसाब से ज़रूर लेना चाहिए उसको। दूसरी एक इसमें सबसे अच्छी खासियत मुझे इसमें एक लगी जो कि था इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो अब जनरली कोई भी आप स्मार्ट वॉच लेते हैं, थोड़ी देर आप अगर आप उसको हाथ में पहने रहते हैं तो ऐसे बंद हो जाती है, फिर कुछ दिखता नहीं है, बट इसमें स्मार्ट यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा। परमानेंट आप इसको हाथ में रखते हैं तो फिर इसकी डिस्प्ले हमेशा ऑन रहती है, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा, अभी भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद एक चीज़ और भी है, जैसे कि यहाँ पर इसमें बात करते हैं फिंगरप्रिंट आने की, तो जैसे आप इसको यूज़ करते हैं तो वो मैंने वहाँ पर देखा था कि उसमें यहाँ पर फिंगरप्रिंट के निशान आ जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मोटो के इस फ़ोन में भी यहाँ पर आप पीछे ग्लास पैनल है तो ग्लास बॉडी है, तो इसमें क्या होता है फिंगरप्रिंट के निशान आ जाते हैं बार बार, तो इसको बार बार साफ़ करते रहना पड़ता है, तो इससे मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ, इसलिए भी मुझे वो बिल्कुल भी यहाँ पर पसंद नहीं आया था। और उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ है ब्रांड की बात करते हैं, तो ब्रांड में हुआमी की जो स्मार्ट वॉच होती हैं उसका मुकाबला, मतलब बहुत ही अच्छी स्मार्ट वॉचेस मानी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक ब्रांड वैल्यू की भी बात ज़रूर थी, इसलिए भी मैंने इसको लिया। तो ये तीन चार मेन रीज़न थे, और बाकी तो रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे इसका बैटरी बैकअप इसका ज़्यादा है उसके मुकाबले, और लाइट वेट की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा लाइट वेट है कि जितनी भी यहाँ पे वॉच हैं कोई भी इसमें से वॉच इसके मुकाबले लाइट वेट नहीं है, बिल्कुल आप हाथ में लेंगे तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा, मतलब इसका वेट बहुत ज़्यादा हल्की है और इसके स्ट्रैप सब भी काफ़ी अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस थे जो आपको कंपैरिजन में पता चल जाएंगे, बट ये दो तीन छोटे रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने ये हुआमी के Amazfit Bip S को पसंद किया। तो आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है, कौन सा आप लोग को स्मार्ट वॉच कौन सी ज़्यादा पसंद आई, आप अगर लेते तो दोनों में से कौन सी लेते वो बताइएगा, और यहाँ पर बहुत सारी स्मार्ट वॉच हैं इनमें से कौन सी आपको सही लगी, ये वाली भी आप जाके इसका वीडियो जरूर देखिएगा, आई बटन में इसका वीडियो मिलेगा आपको। इस वीडियो में तत्काल इतना ही है, तो और कुछ भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।